नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 22 इयर्स है और इनके बेसिक सवाल है बिजनेस, हेल्थ एंड वेल्थ, मैरिड लाइफ, सेटलमेंट इन एब्रॉड, पॉलिटिकल लाइफ और फैमिली सपोर्ट। अब जो पॉलिटिकल लाइफ जो आंसर रहता है उसके अंदर आपके हाथ में अगर फिश साइन होती है तो आपका इंटरेस्ट जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं, पर उसके लिए बहुत अच्छा फोटोग्राफ चाहिए और कहीं ना कहीं धन रेखा के आसपास अगर कोई पद मिलना है तो धन रेखा के आसपास, जैसे एक वीडियो मैंने बनाया था आईएएस ऑफिसर, वैसी ही फिश साइन धन रेखा के आसपास होती है, उस समय उस व्यक्ति को पद मिलता है या कोई इलेक्शन जीतता है। ऐसा मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है जो बड़े स्तर के पॉलिटिशियन होते हैं उनके हाथ में। और मुंबई जैसे मैं अगर नगर सेवक के इलेक्शन में भी इस तरह की साइनें मैंने देखी है। तो ये एक चीज है, तो इसका जवाब आधा अधूरा मिलता है, यानी फिश साइन होती है तो व्यक्ति के जीवन में पॉलिटिक में इंटरेस्ट जाता ही है किसी न किसी तरह। जरूरी नहीं कि व्यक्ति हर व्यक्ति पॉलिटिक्स में ही इन्वॉल्व होता है, पर उनका इंटरेस्ट बना रहता है। पर उसकी सफलता के लिए और फोटोग्राफी में उतनी केयर से आपका फोटो नहीं आया जैसा आना चाहिए। मैं उस पर भी आऊँगा कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से लग रहा है। मैं एक सर्टन एज के आने के बाद थोड़ा सा पजल हूँ आपके जीवन के बारे में। मैंने उसके लिए भी बहुत सारे फोटोग्राफ सेव करके रखे हैं, आपको मैं हर जगह पर दिखाऊंगा। पर सर्टन एज तक आपका जीवन अति उत्तम रहने वाला, अति उत्तम, इतना सुंदर रहेगा कि आप याद करोगे कि कोई मेरा जीवन बहुत उत्तम है। अब शुरुआत करते हैं, सारे सवालों के जवाब आपके मिल जाएंगे, कोई टेंस वाली बात नहीं है। जिस व्यक्ति के हाथ में धनुष आकार शेप बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। इतना स्क्वेरिश पाम हो तो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। हाँ, ये लोग कम नफे में काम करना पसंद नहीं करते और दो दिन बिजनेस ना हो तो इनको लगता है जैसे जीवन समाप्त हो गया। और यह रियलिटी है, किसी भी चौड़े व्यक्ति जिसका पाम बहुत चौड़ा है उसको आंख मूंद के पूछ लीजिए कि आपको इस तरह की फीलिंग आती है, वो 100% कहेगा यस, दो दिन बिजनेस नहीं होने दो, तीसरे दिन तो ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ लूट गया, इतने नेगेटिव अप्रोच में चले जाते। तो ये एक रहेगी खासियत। अंगूठा काफी मुड़ रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार होगा, अच्छा खासा समय मित्रों में जाएगा और चुटकी बजाकर मित्रता होती है ऐसे लोगों की। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है, सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, तो जहाँ लॉजिक की जरूरत है लॉजिक यूज किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है चुप रहे। हाथ का कलर भी काफ़ी अच्छा गुलाबी है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। उंगलियों के जो फैलेंज है वो नुकीले होने के कारण इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती है, यानी सारी चीज़ें फास्ट चाहिए। हाथ की उंगलियाँ छोटी है तो फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। अब ये फैलेंज मुड़ रहा है तो ऐसे लोगों को पैसा कमाने की ललक बहुत रहती है। और जब ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमजोर होता है। अब आपके क्लोजअप की ओर चलते हैं, उसके पहले मैं आपको जो आपके हाथ में फिश साइन है वो मैं बता दूं। ये यहाँ पर फिश साइन है आपकी, मुझे भी चश्मा उतारना पड़ रहा है आपकी फिश साइन दिखाने के लिए, ये इस जगह पर, और एक दो छोटी छोटी यहाँ पर भी है। तो ये फिश साइन का मतलब है व्यक्ति जन्म लेते ही परिवार संपन्न बनता है, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, पर आम लोगों से ज़्यादा आपको संपन्नता देगी, क्योंकि इसको एनलार्ज करते हैं तो बहुत पास में बड़ी दिखती है, ऐसा नहीं है। जब ये पोजीशन है तो बहुत छोटी है पर फिर भी आम लोगों से ज़्यादा व्यक्ति सफलता पाता ये साइन के कारण, और यही साइन व्यक्ति को पॉलिटिक में भी इंटरेस्ट दिलाती है। हाँ, इसी के बीच में अगर
धन रेखा के आसपास कोई छोटी सी फिश सैंड डेवलप हो जाए तो उसके लिए बहुत केयर से फोटो लेना होता है, बहुत केयर से, तब जाकर ये दिखती है। तो उस समय कोई ना कोई पद मिलने के चांसेस होते हैं, पर जितनी बड़ी फिश सैंड उतना ज्यादा बड़ा पद मिलता है यहां पर, यह भी एक खासियत होती है। तो आपकी बहुत छोटी है तो मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं। अब आपके रेगुलर काम की ओर चलते हैं। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, ये जब लाइनें ज्यादा होती है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड होता है, सुंदर होता है, वाणी उसकी अच्छी होती है, ये सारे लाभ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। और बुध पर्वत ना ज्यादा उभार ना ज्यादा दबाव, एक व्यवस्थित बुध पर्वत है। सूर्य पर्वत पर बाकी की कोई साइन ऐसी है नहीं, और एक पॉलिटिशियन के हाथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं यश शाइन भी चाहिए जो आपके हाथ में नहीं है। तो पॉलिटिक्स में आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, और एक यहाँ पर भी कहीं ना कहीं फिश शाइन चाहिए, तब जाके व्यक्ति पॉलिटिक में सफलता पाता है। अब सन माउंट पर कोई बहुत स्ट्रांग लाइने नहीं है तो बेसिक सफलता आपको आसानी से प्राप्त होगी जीवन में। मैंने एक MLA के हाथ में यहां पर भी इस तरह से भी साइन देखी थी, तो इससे भी यश को ही गिन सकते हैं, पर आपके हाथ में यह भी कंप्लीट नहीं है। अब शनि पर्वत पर चले तो आपकी एक धन रेखा सूर्य पर्वत की ओर देख रही है और एक जुपिटर की ओर जा रही है, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग आपके हाथ में है, कोई दो राय नहीं। आप कभी ना कभी जीवन के किसी न किसी मौके पर आप विदेश चले जाओगे, और ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है। तो कई लोगों को चारों बेनिफिट होती है, किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक, बाकी कंटिन्यू रेखाएं बनी हुई है तो बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी। हाँ, बीच के पार्ट में मैं थोड़ा सा पजल हूँ, उस पर आऊँगा। आपने एक मैरिज लाइफ के बारे में भी पूछा था, हल्का सा उभार है तो थोड़ी सी तूतू मैं लगी रहेगी, पारिवारिक और सांसारिक भी, इससे ज़्यादा बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है। और जुपिटर माउंट एक व्यवस्थित है, ऐसा खराब भी नहीं है, पर थोड़ा सा उभार होने के कारण तूतू मैं लगी रहेगी, इसका उपाय मैं दे दूंगा आपको। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा होने के कारण शरीर की ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी होती है, एक सैनिक की तरह या एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह व्यक्ति में एनर्जी होती है। बाहरी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलोगे तो एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत का अगर थोड़ा सा भी पार्ट ऐसे दबाओ तो ऐसे लोगों को बातें करने का शौक ज्यादा होता है। जीवन रेखा पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है, ऐसे लोग अपने जन्मस्थल से दूर अगर जाते तो ज़्यादा विकास करते, और इस तरह के लोग 100% विदेश में भी सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपकी धन रेखा सूर्य पर्वत की ओर देखती हो। तो आपके चांसेस काफ़ी उज्जवल है विदेश की ओर, आप हमेशा ट्राई करते रहना। और यहाँ पर एक अच्छा सा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, पर दो तीन लाइनों को मिला के, पर बहुत बड़ा बन रहा है। तो जीवन में समृद्धि पैसा आपके पास अच्छा आता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। शुक्र पर्वत भी अच्छा है कहीं पर, और ये सारी जितने स्क्वायर दिखते हैं ये प्रॉपर्टी की ओर इशारा करते हैं, प्लस एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति के जीवन में लग्जरियस लाइफ होती है, गाड़ी घोड़े में घूमता है और पैसा भी खूब कमाता है और खर्च भी खूब करता है, तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये रेखाएं अगर ये इस तरह से बनती होगी शेप, तो ऐसे लोगों के संतान भी विदेश में जाकर बस जाते हैं और फिर इनका विदेश में आना जाना होता है, और शरीर में एनर्जी ज़्यादा देती है, और ये शेप नहीं बनता होगा और इस तरह से केवल फोर्क होगा, तो व्यक्ति के जीवन में
यात्राएं ज़्यादा होती है। इसके लिए हम वापस इनके बड़े फोटोग्राफ में चेक करते हैं, ये फोर की बन रहा है, फिश साइन नहीं बन रही है यहाँ पर। अब आपकी हृदय रेखा, हृदय रेखा शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है, तो ऐसे लोगों को तीन ही लक्षण पाए जाते हैं। एक तो सुबह आंख खोलते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान रहता है। सेकंड, ज़्यादा सोचते तो ज़्यादा पैसा कमाते भी है। सेकंड चीज, कामुक भावना। और तीसरी चीज़, कभी कभी फिजिकल होते यानी हाथ पैर उठाते। ये तीन लक्षण पाए जाते। और यहाँ पर एक दो लाइनें नीचे की तरफ चल रही है, सेवाभावी स्वभाव की ओर। और जैसे जिसके भी हाथ में फिश साइन होती है वो ऐसे भी सेवाभावी काफ़ी होता है। सगे संबंधियों को और मित्रों को पैसा दोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। अब आपकी माइंड लाइन देखें तो दोनों के बीच में गैप है। जब गैप होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है और किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता। पर इनमें एक और खासियत होती है, अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागेंगे। ये भी एक सबसे बड़ी खासियत होती है। तो ये लक्षण रहेंगे। और यहाँ से ये रेखा निकलकर जुपिटर से शुरुआत हो रही है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करेगा। और माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है तो बुद्धि प्रतिभा अच्छी रहेगी, बुद्धि के बल पर अच्छा विकास करोगे आप। अब चलते हैं आपके जीवन रेखा पर। एक 23 के आसपास ऑफ शूट है और उसके पहले एक राहु रेखा ने काटा है, तो हो सकता है वर्तमान समय में या उसके 6 महीने 12 महीने पहले आपको कोई ना कोई रुकावट आई होगी। उसके बाद 27 के आसपास ऑफ शूट है, उसके बाद 30 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा है और एक ऑफ शूट है, उसके बाद 32 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ दिख रही है और एक 36 में ऑफ शूट है, एक 37 में ऑफ शूट है और छोटी सी राहु रेखा भी है और एक 43 में ऑफ शूट है। और उसके बाद पूरी जीवन रेखा व्यवस्थित चलकर चंद्र पर्वत की ओर देख रही है, तो ये विदेश सेटलमेंट की ओर इशारा करती है। और आप जन्मस्थल से दूर काम करने की सोचना तो आपको ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। अब आपकी धन रेखा पर आते हैं, जो जहाँ पर मैं पजल हूँ, ये एक कट लगेगा आपको। ये उम्र लगभग 29 के आसपास कट लगेगा आपको, 28 के आसपास। और धन रेखा के लिए हम दूसरा फोटोग्राफ भी देख रहे हैं। मैं जो पजल हूँ, यहाँ से आपकी धन रेखा मुझे डिस्टर्ब लग रही है, ये पीरियड से लेके यहाँ पीरियड तक, यानी 39 से लेकर 49 तक आपके जीवन में ये धन रेखा डिस्टर्ब दिख रही है। पर दूसरे फोटोग्राफ में वापस अच्छी भी लग रही है, मैं उस पर भी आऊँगा। अभी इस फोटोग्राफ में देखते हैं, यहाँ पर ये चली लाइन और यहाँ तक चली, यहाँ से एक और लाइन निकली, यानी हो सकता है इस पीरियड में आप विदेशागमन हो सकता है आपका 33 के आसपास, 32-33 के आसपास। और यहाँ से ये रेखा निकली और यहाँ आकर यहाँ पर भी ये डिस्टर्बेंस शो हो रही है। 39 से लेकर 49 तक इस फोटोग्राफ में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस शो हो रहा है। और उसके बीच में एक कट भी है, ये उम्र लगभग 46 के आसपास आर्थिक नुकसान भी देगा आपको। बाकी जीवन में ऐसा कोई आर्थिक नुकसान बड़ा इस पीरियड में भी ये कोई कट कर नहीं रही है, तो कोई आर्थिक नुकसान जाने के चांसेस बहुत कम है। अब आपके सारे फोटोग्राफ हम एक एक करके देखते हैं। अब इस फोटोग्राफ में देखें तो इस फोटोग्राफ में भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस दिख ही रहा है, यहाँ पर तो 36 से ही दिख रहा है अप टू 48-49 तक। अब इस फोटोग्राफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा है, अच्छी खासी आगे की तरफ जा रही है और अप टू बुढ़ापे तक लाइनें हैं और बहुत सी। हाँ, ये कट है, ये आपको हर जगह दिख रहा है, पर इस फोटोग्राफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं शो हो रहा है।
अब एक और फोटोग्राफ है आपका, उस पर भी चलते हैं। यहाँ पर भी देखे तो इस पीरियड में डिस्टरबेंस दिख रहा है, 39 से 48-49 तक डिस्टरबेंस शो हो ही रहा। इस फोटोग्राफ में देखे तो यहाँ पर भी 39 से लेकर 48 तक डिस्टरबेंस शो हो रहा है। तो पांच फोटोग्राफ में लगभग चार फोटोग्राफ में डिस्टरबेंस दिख रहा है। तो इस पीरियड में आपका ग्रोथ नील बटा नील होगा, दुनिया भर का एक्सपेंस लगेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। और वो जो फोटोग्राफ है उस तरह का फोटोग्राफ रहा जो एक तो आपके जीवन में केवल 46 के आसपास आपको लॉस जाएगा, उसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं रहेगी। तो मेरी आपसे सलाह है कि इस पार्ट का आप बहुत अच्छी तरह से अगर फोटोग्राफ भेज सको तो मैं एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुंच पाऊंगा कि क्या रियल स्थिति है, क्योंकि अलग अलग फोटोग्राफ्स अलग अलग कहानी बता रहे। पर उसके पहले आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, 37 तक तो इतनी अच्छी ग्रोथ है कि ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हो, इतनी अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको। पर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर डिस्टर्बेंस रहा तो आपके 10 साल जीवन के खराब जाएंगे, और उसके बाद फिर वापस गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी, उसके बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।